दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क स्कूल ऑफ नर्सिंग। नागपुर के इंदिरा नगर बोरकर कॉलोनी बारह सिग्नल में सबसे पहले बनने वाली भंगी सहकारी सोसाइटी में बने कुएं का 1933 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उद्घाटन किया था। इस ऐतिहासिक विरासत को संजोए सैकड़ों भंगी समाज के लोग 1907 से यहां अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, मगर आज इन लोगों को एक बड़ी समस्या आन पड़ी है। कुछ सालों पहले तक इस सोसाइटी के और सोसाइटी के प्लॉट के दस्तावेज सभी सरकारी विभागों में मौजूद थे। लोगों ने इन्हीं कागजों की सहायता से कई बार बैंक से लोन तक लिया, मगर अब कुछ सालों से मनपा, सिटी सर्वे जैसे महत्वपूर्ण विभागों में इस सोसाइटी के प्लॉट के दस्तावेज ही नहीं है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को शक है कि किसी बड़े जमीन माफिया की नजर उनके जगह पर है और वह इसे हथियाना चाहती है। यहाँ के लोगों से बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने ये भंगी समाज के लिए कुआं बनाए थे। उस समय महात्मा गांधी जी खुद यहाँ पर आए थे और ये है 1933 में आके यहाँ पर इस कुएं की शुरुआत किए थे यहाँ पर। लेकिन आज ये कुआं तो बन चुका हुआ है और इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर कई नेता लोग भी आए, इसको सौंदर्यकरण भी किया गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। जिस तरह के यहाँ पर मैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटित कुआं परिसर सौंदर्यकरण का काम यहाँ पर देखो, जिस तरह से नाम नितिन गडकरी का, अनिल देशमुख है, सुनील केदार का नाम है और भी नेताओं के नाम है, या देवेंद्र फडणवीस द्वारा यहाँ पर फंडिंग दिया गया था यहाँ पर सरकार द्वारा भी। लेकिन इस बस्ती जो है, आज ये भंगी समाज की बस्ती है, लेकिन यहाँ बस्ती को, यहाँ पर इनकी जो सोसाइटी है बस्ती, इस सोसाइटी को आज भी ने जो कुआं ये किए थे उसके लिए कई फंडिंग तो मिले, लेकिन इनके घर बनाने के लिए इनका जो सिटी सर्वे में नाम था पहले, वो अभी हट गया और महानगर पालिका में भी इनका जो लीज़ का पट्टा था वो लीज़ ख़त्म होने के बाद भी यहाँ पर उनको आज लीज़ में वो जगह नहीं बताई जा रही है। यहाँ पूरे भंगी समाज के लोग यहाँ रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको एक समय योजना के अंतर्गत इनको मकान बना के दिया गया था, लेकिन आज वो जो लीज का पट्टा था वो लीज आज महानगर पालिका में नज़र नहीं आ रही है। आइए इन्हीं के समाज के लोगों से आज पूछते हैं कि यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं और आज क्या परिस्थिति है और क्या प्रॉब्लम जा रही है, आपको ये बताइए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शैलेश मधुबा बड़ेल, मैं भंगी समाज युवा मंच को निरंतर 2.5 साल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसका नाम है घर के डॉक्यूमेंट कैसे बनाए। आज हमारे को सन 1954 में किसी ने तो भी 74 क्वार्टर की स्कीम बना के दी थी, जिसके हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। अब हमारे जो लोग थे वो भंगी समाज के महिला ढोने वाले अनपढ़ गवार जाहिल लोग थे, इनके पास में डॉक्यूमेंट के नाम पे कुछ भी चीज़ नहीं है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे, जिसके लिए हम जो भी इसमें सरकारी, जो राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसी जो क्वार्टर बनाने के लिए काम करती है, हमने सबसे फॉलोअप लिया RTI के माध्यम से, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू किया कि ये क्वार्टर कैसे बने थे और इसके हमारे को रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए जाए, लेकिन सब ने अपने अपने हाथ ऊपर कर लिए और कोई भी हमारे को ये डॉक्यूमेंट देने को इनकार कर रहा है। अभी हम NIT में गए तो NIT वाला बोलता नहीं मालूम, नजुल में गए हमारा नहीं, DDR बोलता हमारे को नहीं पता, यहाँ तक कि NMC का जो ये है, ये लैंड एक्चुअली NMC का है, हमारे पास में सिटी सर्वे यानी लैंड रिकॉर्ड से जो आखिरी पत्रिका है, मालमत्ता पत्रक, उसमें NMC का नाम लिखा हुआ है, हमारे लोगों के नाम है, सोसाइटी का नाम है, लेकिन DDR के पास में भी गए तो DDR बोलता हमारे को पता नहीं। अब ये डॉक्यूमेंट्स हमने निकालना तो निकालना कहाँ से, हमने अपनी आगे का जो, जैसा अभी आपने इधर पे हमारे कुछ मकान भी देखे होंगे, किसी की दीवार गिर रही है, किसी का छत गिर रहा है, किसी का कुछ गिर रहा है, अभी इसको रिनोवेशन करना है, नया बनाना है, तो उसकी परमिशन कहाँ से ले, उसके लिए पैसे कहाँ से लाए, लोन कहाँ से ले, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। अब ये समस्या को आगे सॉल्व करने के लिए हम यानी रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है इसके, वो कहाँ से बनाए, कहाँ से लाए, इसके बारे में हमारे को कोई जानकारी नहीं, और जिस भी हम अधिकारी या फिर प्रशासक से मिलने जाते तो अपने अपने हाथ खड़े कर देता है। अभी हमने जाना तो जाना कहाँ, अभी हमारा अतिरिक्त आयुक्त जो हमारे राम जोशी साहब है, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई थी 1.5 घंटा, उन्होंने भी हमारे को समय दिया, उन्होंने हमारे को बताया, लेकिन ये प्रॉब्लम का सलूशन कुछ निकला नहीं। अभी हमारे जो आदरणीय तिवारी साहब है, जो हमारे महापौर है, उनसे भी हमारी मीटिंग हुई, उनको भी हमने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने भी इसमें हमारे को बताया, लेकिन उसमें कोई सलूशन अभी तक निकला नहीं। अभी हमने आगे करना क्या, मेरे को ये बताइए, महानगर पालिका में गए आपने, वहाँ पर बताया कि ये लीज़ पे भी पहले नाम था लेकिन अभी लीज़ पे नाम नहीं है, तो उस पर क्या बोलो? उन्होंने बोले करके हमारे पास में भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो हमारे पास में भी कुछ नहीं है। अभी ये जो लीज़ वगैरह कैंसिल करने की इन लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने पहली जो लीज़ थी वो कब दिए थे, किसको दिए थे, कैसे दिए थे, उसके बारे में तो बताए कुछ तो भी।
यहाँ पर 1933 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं और उसके पहले भी रहते थे बोलते, लेकिन आइए यही यहाँ पर इनकी पैदाइशी भी हुई, यहाँ पर बड़े भी हुए इनका। और एक तो आप मेरे को ये बताइए, यहाँ पर आप तो आपकी पैदाइशी हुई है, आप यहाँ रह रहे हैं, तो आपको कुछ मालूम होगा कि ये यहाँ पर लीज किसने दी थी, क्या दी थी? महानगर पालिका नहीं थी उस समय, और 1956 में भंगी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी बनी, उसमें जो ये यहाँ पहले से यानी 33 के पहले से जो सफाई कर्मचारी लोग यहाँ रहते थे, तो उनको ये जगह कैसा दिया जाए, तो महात्मा गांधी जी वगैरह जब आए थे तो उस समय ये जगह हमको अनुदान में मिली थी, और अनुदान में मिलने के बाद में भंगी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण हुआ, और निर्माण होने के बाद में 75 मकान बनाने का प्लान बना, नक्शा बना, और नक्शा बनने के बाद में समाज कल्याण विभाग ने हमको लोन दिया, लोन भी फिट गया। लोन भी फिट जाने के बाद में जिन लोगों को पजेशन दिया गया उनको नक्शा और रजिस्ट्री आज तक का नहीं करके दी गई। आखिरी पत्रिकाओं में जो है उसमें भंगी कोऑपरेटिंग सोसाइटी का नाम है और महानगर पालिका ने उसको दी, बाद में ये महानगर पालिका हुई। यानी महानगर पालिका, आपने भी कहा था आपको लोन भी मिल गया, लीज भी मिली, सोसाइटी को लोन मिल गया, और लीज का पट्टा था, लीज नहीं थी, ये अनुदान में जगह मिली, अनुदान में ये जगह मिलने के बाद तो इसको गवर्नमेंट ने, महानगर पालिका ने अपने अंडर लिए होंगे। महानगर पालिका ने जो गवर्नमेंट की जो वो होती है अपना लैंड डिपार्टमेंट नाम चढ़ाया, और वो देना और किसके नाम पे, तो वो भंगी कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के मेंबरों के नाम दिए। तो अभी क्या दिक्कत जा रही है? अभी दिक्कत ये जा रही है कि यहाँ के जो भी अधिकारी है, कौन अधिकारी है, ये आज तक वो स्पष्ट नहीं हो पाता, और ना ही वो सहयोग देते, क्योंकि जिन लोगों को ये इतिहास नहीं मालूम वो बेचारे अपनी तरफ से जवान बच्चे सब प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे को बताइए यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं तो पैदा ही हुआ यहाँ पे। उस आपको जब मकान मिला था उस समय कैसा था, और आज की स्थिति कैसी है आपके मकान? अरे उस समय हम छोटे छोटे थे जब मकान मिला था, इतने इतने से थे। तो ये बताओ कि आपको जो मकान उस समय जो दिया गया था, यहाँ पर आप जो सफाई कामगार थे, यहाँ पर पूरे नागपुर शहर के सफाई कामगार लोग यहाँ रहते थे, तो उस समय की लीज दी गई थी क्या, या आप लोगों को ऐसा कुछ योजना में आपका घर मकान मिला आपको? वो हमको याद नहीं है, माता पिता को याद, हमारे बाप सभासद थे वो, समझे, हम छोटे जैसे ये है। आज ये कम से कम 70 साल के ऊपर की उम्र है इनकी, लेकिन इनके पहले के लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये पूरे नागपुर शहर में इनकी साफ सफाई करने का काम इनका काम रहता था भंगी समाज का, इस कारण इनको यहाँ पर मकान दिया गया था। लेकिन और भी कुछ लोग हैं उनसे पूछते, आप बताइए आप ये क्या बताना चाहोगे? ये बच्चे लोग करीबन 2 साल से मेरे तरफ आए, मैं रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर हूँ और मैं दलित समाज का हूँ, उस वजह से भंगी समाज युवक मंच इनको मैंने बनाने लगा है। 2 साल से ये सवाल को हम हल होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सवाल क्या है कि कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये इनके पास डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको एक डॉक्यूमेंट ऐसा मिला कि वो चाराने के फूट के ऊपर कोई दूसरी बस्ती की धरती पर इनको लीज दी जाए, ऐसा एक डॉक्यूमेंट मिला। उसके ऊपर इन बच्चों ने माहिती के अधिकार में डाला। माहिती अधिकार में डालने के बाद कॉरपोरेशन भी बोलती है कि हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं, NIT भी बोलती है कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, कलेक्टर बोलता है कि हमारे पास कुछ भी डॉक्यूमेंट। तो ये कैसे ऐसे ही पैदा हो गए क्या? ये आखिर ज़मीन किसकी है? ये गरीब बेचारे भंगी समाज के लोगों को कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं है, और उसके लिए जितना भी हम एक बात बताइए, ये इनको घरकुल योजना में इनको मकान देने वाले जैसे कुछ है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, घरकुल योजना में नहीं। अभी यहाँ अतिरिक्त आयुक्त जोशी जी को मिलने के बाद अभी उस दिन थोड़ा सा हमने धींगाना जैसा ही किया, 10-15 बच्चे लोग जाके वहाँ तो डर गए वो, तो उन्होंने इस सवाल को अभी हाथ में लिया है। उनका कहना ऐसा है कि भैया हम पट्टे वाटअप करने जा रहे हैं,
अब पट्टे वाटअप करने जा रहे तो वो जब कुछ लेटर देंगे कुछ देंगे उसके बाद में बस्ती के लोगों के साथ चर्चा करके क्या करना नहीं करना ये करेंगे। लेकिन सवाल ऐसा है कि भाई ये इन लोगों को तुम बगैर मालकियत से कितने साल से रखने वाले हो? अब ये बताए पट्टे वाटअप है ना, पट्टे वाटअप है ना कैसे, क्योंकि यहाँ तो देख रहा हूँ कि पूरे मकान बन चुके हैं और आज भी कुछ पुराने टाइप के मकान है जिसके छत गिर रहे हैं। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यहाँ रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट से इसको लोन भी मिला है और जब ये रजिस्टर सोसाइटी यहाँ का नक्शा पास हुआ यहाँ मकान बने तो ये अलग से घर कुल योजना का क्वेश्चन ही नहीं आता। जिन जो मेंबर्स है उनको तो रजिस्ट्री मिलना अनिवार्य है ना। मेरा सवाल वही था कि पट्टा वाटअप करने जब पहले ही ऑलरेडी पट्टे वाटअप हो चुके हैं उसके बाद में अभी महानगर पालिका बोल रही है कि यहाँ पर पूरे मकान बन चुके, बड़े बड़े मकान, सुनिए मकान एक मिनट सुनिए अरे बात सुनिए तो अभी पट्टे वाटअप की बात है जबकि ऑलरेडी पहले ही पट्टे वाटअप हो चुके तो अभी कौन से पट्टे वाटअप करने की बात कर रही है बताइए। तो ये जो पट्टे वाटअप के बारे में जो हमारे यहाँ के महापौर ने बोला है वो इन बच्चों को गुमराह करने के लिए बोला है, उनको इस सोसाइटी की जानकारी ही नहीं है इसका मतलब। अरे इसके पहले भी यहाँ के सोसाइटी के बच्चे लोग मुंडे साहब के पास भी गए थे, मुंडे साहब ने कुछ चीज़ें रिजेक्ट किए थे, क्या रिजेक्ट किए थे बताइए। सर एक्चुअली यहाँ का पूरा प्लिंथ लेवल सर्वे वगैरह सब हो गया था, उनकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, जब वो फाइल ऊपर मुंडे साहब के तरफ में आई तो उन्होंने कैंसिल कर दिए। उन्होंने बोले करके इनकी संस्था रजिस्टर्ड है, आकी पत्रिका बनी हुई है, उस पर नाम लिखा हुआ है, इनके प्रॉपर्टी कार्ड में सबके नाम लिखे हुए, तो ये कैसा है ना इनको वाटअप करेंगे जो चीज़ ऑलरेडी वाटअप है। यानी जब मुंडे साहब महानगर पालिका के कमिश्नर थे तो उनको किस कौन लोगों ने उनको पट्टे वाटअप करने की बात की थी? अब उनके बारे में हमारे को कुछ पता नहीं, वो किसने किया था क्या किया था, लेकिन उनके जो अधिकारी थे वो अधिकारी इसमें ये इस यानी इस जगह में काम किए, उन्होंने रिपोर्ट बनाए और रिपोर्ट बनाने के बाद में वो साहब की तरफ पेश किए। जिस तरीके से इनका कहना कि पट्टे वाटअप की बात होगी जबकि ऑलरेडी पहले ही इनको पट्टे दे चुके हैं, इनकी जगह है, इनके मकान बन चुके हैं और कुछ लोन भी मिला था उस समय में, लेकिन उसके बाद भी कुछ नेता या कुछ अधिकारियों के साठ गांठ से इनको पट्टे वाटअप करने की बात की जा रही थी लेकिन मुंडे साहब ने वो कैंसिल किए क्योंकि मुंडे साहब का कहना था कि ऑलरेडी है ये पहले इनको पट्टे दे चुके हैं। नागपुर शहर में भंगी समाज को हर एरिया बांटा गया है, हर एरिया में लोग रहते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में भी, और ये तो सबसे पुराने लोग हैं यहाँ रह रहे, लेकिन यह हर लोगों को उनकी रजिस्ट्री मकान की रजिस्ट्री करके दी गई लेकिन भंगी सोसाइटी की रजिस्ट्री नहीं करके दी गई, क्या बोलना है इस पर आपका? मेरा कहना ऐसा है कि जैसा बैजन बाग, गंगाबाई घाट, पाँचपौली, हमारी समाज के कई लोग वहाँ पर भी रहते हैं तो उनको भी क्वार्टर अलाउट हुए थे तो उनको रजिस्ट्री मिली है, सिर्फ यही सिर्फ बारह सिंगल बोरकर नगर है जहाँ पेपर ही नहीं है और पेपर नहीं जिसकी वजह से हम अपना जो बांध काम है जो हमारे मकान जर्रर है तो वो हम बना नहीं सकते, ऐसी रहने पे मजबूर है। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि वो हमारी तरफ भी ध्यान दे कि हम भंगी लोग हैं जो लोगों का मैला ढोए हमारे पूर्वजों ने हाथों से शहर की गंदगी साफ की है, तो मेरा कहना यही है कि हमारे तरफ भी ध्यान दे, हम भी इंसान हैं। राष्ट्रपिता जो खुद यहाँ पर आए थे भंगी समाज के बीच में और इनको यहाँ पर कुएं की जो बोलते हैं शुरुआत की थी, उनने यहाँ पर से शुरुआत की थी लेकिन यहाँ के लोगों को आज खुद के मकान की लीज नहीं मिल रही है और ये जिसके कारण ये अपना कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पा रहे और अपने लोगों को जिस तरह के जो मकान में रहना चाहिए था आज उस मकान की हालत बहुत ख़राब है, यानी ऊपर से स्लैब गिर रहा है उसके बाद भी इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। जैसे अभी मेरे पास कुछ पेपर इसमें भंगी सरकारी सोसाइटी का नाम चढ़ा हुआ है और सोसाइटी का नाम रहने के बाद भी और इसमें सिटी सर्वे में भी इन लोगों के कुछ लोगों के प्लाट भी के नाम चढ़े हुए हैं लेकिन उसके बाद भी आज महानगर पालिका इनसे हमारे पास कुछ भी दस्तावेज नहीं ऐसे बताए तो क्या अभी ये तो सब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स में नाम है पुराने में फिर भी उसके बाद महानगर पालिका मुकर रही है? अब देखो ये जो है हमारा प्रॉपर्टी कार्ड है, ये मालमत्ता पत्रक है, इस पर हमारे लोगों के भी नाम चढ़े हैं, सोसाइटी का भी नाम चढ़ा है, महानगर पालिका का भी नाम चढ़ा है। अभी हम महानगर पालिका से पूछते हैं तो महानगर पालिका बोलती है नाम कैसे है हमारे को मालूम नहीं, सोसाइटी पता नहीं, और ये जो हमारे लोग के नाम जो चढ़े वो तो अने हमारे पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है इसलिए इनके पास में हम जाके पूछ रहे कि भैया नाम कैसे है इससे रिलेटेड हमारे को डॉक्यूमेंट दी जाए। अभी ये जो नाम है ये ऑलरेडी इसमें टैक्स में भी चढ़ा हुआ है, अब टैक्स विभाग में जाके हम उनके अधिकारियों से पूछते हैं कि भैया आपने टैक्स किस बेस पर लगाए, ये नाम कैसे चढ़ा है, तो वो बोलते करके कि हमारे को ये जो नाम चढ़ा हुआ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो बोलते करके तुम्हारे ऊपर में इतना टैक्स है
और ये टैक्स तुमने इतने सालों से नहीं भरा तो इसको जल्द से जल्द भरो। अभी ये चौकसी पंजी है, ये मिलती है लैंड रिकॉर्ड से। अभी ये निकाला हुआ है, इसमें हमारे सोसाइटी का नाम है, महानगर पालिका का नाम है, हमारे लोगों का नाम है, लेकिन लैंड रिकॉर्ड के पास में भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे से रिलेटेड। इनके प्लाट के अरे प्रॉपर्टी के जो पेपर्स है, एक एक पेपर्स इनके पास पुराने वाले हैं, यहाँ तक इनके प्लाट का भी नंबर और ये जो सिटी सर्वे जो रहते हैं, इन लोग ये करवा के देते हैं जो डॉक्यूमेंट्स, वो तक के हैं यहाँ पर, ये पेपर्स भी उनके पास है। उसके बाद भी आज महानगर पालिका इनको इनकी जगह देने से मुकर रही है। अब ये नक्शा भी आपके पास, ये दिखाने के बाद भी क्या बोले? ये दिखाने के बाद में भी बोले करके हमने ये कैसे बनाए थे हमारे को उसकी कोई जानकारी नहीं, बोले ये लैंड रिकॉर्ड वाले ने बनाए होंगे, बोले वहाँ जाके कभी सर्वे किए होंगे किसी कोई सन में, बोले तो वो सर्वे के हिसाब से बना दिए, यानी यहाँ पे कोई उनका अधिकारी आया होगा, उसने देखा होगा कि ये प्लाट बने तो उनका नक्शा बना दो, ऐसा करके उन्होंने हमारे को टालम टोल जवाब दिए। टाउन प्लानिंग में भी आपके मैंने देखा हूँ पूरा नक्शे में सबको पट्टे दिया गया हुआ है कि एक एक उसमें यहाँ तक के प्लाट नंबर भी डाला गया है। ये दिखाने के बाद भी अगर महानगर पालिका बोल रही है कि ये हम पट्टे वाटअप करेंगे फिर से, क्या लगता है? अभी वो आगे की कार्रवाई क्या करेंगी और हमारे को क्या लेटर्स वगैरह देंगी उसके बाद में हम उस पर सोचेंगे कि वो क्या करने वाले, उसकी एक्शन प्लान ऑफ एक्शन क्या है उनका पट्टे वाटअप के लिए, उसकी स्टडी हम करेंगे उसके बाद देखेंगे लोगों से पूछ के। अरे सीधा सीधा कहना है कि ऑलरेडी पहले ही इनको पट्टे वाटअप कर चुके हुए, उसके बाद भी महानगर पालिका का कहना है कि हम फिर से इनको पट्टे देंगे, लेकिन कौन से पट्टे देंगे क्योंकि यहाँ पट्टे देने लायक जगह बची नहीं है, क्योंकि इनके खुद के कंस्ट्रक्शन हो चुके हुए और जो कुछ पुराने मकान है उनकी हालत बहुत गंदी है। अब सिटी सर्वे में आप लोगों का नाम नहीं चढ़ा है, लीज नहीं मिल रही है, क्या लगता है आपको अगर ऐसा ही रहा तो आप तो मकान जिस तरीके से हालत है आज मकान नहीं बना पाएंगे, लोन नहीं ले पाओगे आप, तो क्या आपकी आगे की भूमिका क्या है? अभी आगे की भूमिका ऐसी कि यानी इसमें NMC क्या एक्शन लेती है उसके मार्फत हम अगर वो हमारे हमारे सपोर्ट में अगर कुछ करती है तो हमारे को ठीक है, अगर हमारे अगेंस्ट में कुछ एक्शन लेती है तो हम उसके लिए आंदोलन आगे करेंगे, फिर उसके बाद जैसा NMC में करेंगे, कलेक्टर के पास करेंगे, DDR में करेंगे, ये हमारी का भूमिका रहेंगी। हमारी सिटी सर्वे में हम लोग मोटिशन के लिए गए थे तो उन्होंने बोला कि पहले लिस्ट काफ़ी लेके आओ, मोटिशन करके नहीं दिया, वापस भेजा दिया। आप एक अधिकारी रह चुके हैं, क्या लगता है अब जिस तरीके से सरकारी पेपर्स जो रहना चाहिए है आपके पास भी, उसके पास भी महानगर पालिका ये अधिकारी लोग नए नए फंडे बता रहे? एक सच्ची बताओ आपको, 1990 से जो अभी का जो प्रशासन है वो प्रशासन को किसी गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं है, दलित पिछड़ा जो समाज है उनको रिस्पॉन्स देने की उनकी हैबिट ही नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के कुछ इंटरनल आर्डर होंगे कि भाई इनके कोई कागज़ आए तो कुछ रिप्लाई मत दो, ये मत करो, वो मत करो, इसलिए RTI इनको बार बार कर अभी तक कम से कम 15 RTI किए इन लोगों ने, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। और ये आंदोलन किए बगैर होगा ही नहीं, उसका कारण बताता होगा भाई, अतिरिक्त दोषी को जब मिले तो 10-12 लड़के थे बिल्कुल, सब पुलिस वालों ने हमको घेर लिया, उनको लगा कि हम कुछ तो भी करने वाले गड़बड़, तो उनको बताया कि गड़बड़ वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं हम, तो फिर जोशी साहब ने बुलाया, करीबन 45 मिनट तक बात किया उसने, जो ऑफिसर तुमको खड़ा नहीं करते तो ये 10-12 लड़के खड़े होने से 45 मिनट तक बात किया उन्होंने। आंदोलन करने के बगैर ये काम होगा नहीं, आंदोलन बोले शांतता से आंदोलन करेंगे, है कितने 70 क्वार्टर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 फैमिली होंगी, तो आंदोलन शांतता से करेंगे, क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी जी आके गए हैं, ये देखा जाए तो इसको कोई स्मारक वगैरह बनाना चाहिए उसका, ये कुएं का तो, लेकिन यहाँ रहने वाले जो अभी सरकार कांग्रेस की है, देखो मजाक की बात ऐसी है कि कांग्रेस की सरकार है, महात्मा गांधी जी यहाँ आके गए हैं और उस बस्ती में रहने वाले भंगी समाज के ये सवाल कोई छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है, ये बड़ी 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 ट्रेजेडी है। ये सब राजनीति की बात चल रही है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है, उसके पहले BJP की सरकार थी, ये सरकार का विषय अलग है, लेकिन इन भंगी समाजों को सबसे पहले इनको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा सवाल है। जब से ये मकान बने हैं आज भी वैसी उसी हालत में मकान है, ये इस मकान की हालत आपको दिखाते किस तरीके से इस मकान की हालत है, ये देखिए, ये इस घर के छत की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है ये कब गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जो इस घर में रह रहे वो बता रहे रोज़ यहाँ पत्थर कंकड़ ऊपर से गिरते रहते, लोहा गिरते रहता, लोहा सड़ चुका है, पूरा स्लैब सड़ चुका है, ये कब बड़ी होनी होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर, लेकिन
यहाँ पर रहने वाले, क्योंकि इतने सालों से रह रहे वो आज मजबूर है यहाँ रहने के लिए, कभी क्या लगता है अब यहाँ यहाँ रह रहे तो आपको कभी डर लगता है कि जैसे? डर तो रात को भी लगा था, गिरे थे रात को भी, ये देख के गया जब, अब पानी आता तो जब बहुत गिरते, पूरा पानी गिरता घर से, जमीन से भी। इनका कहना है कि बारिश होती है, अभी ये बारिश होती है तो ऊपर से भी छत से पूरा पानी, क्योंकि ये हालत ही ऐसी है कि ये तो ऊपर से पानी नीचे गिरता ही होगा, लेकिन यहाँ पर भी देखो इससे पंखा कभी भी गिर सकता है, क्योंकि पंखे को जो पकड़ है वो पकड़ अभी नहीं रही है, सिर्फ सलाख के ऊपर, वो भी सलाख पूरे सड़ चुके हैं। लेकिन महानगर पालिका बोलो या सरकार बोलो या नागपुर के आमदार या खासदार, उन लोगों ने इस घर की छत को देखकर इन लोगों के लिए जल्द से जल्द इनकी जो दस्तावेज जो रुके हुए है वो दस्तावेज जल्दी से जल्दी पूरे करके दी जाए, या कोई होनी ना हो, नहीं तो क्या बहुत सारे नेता लोगों का ऐसा रहता है होनी हो जाती है, उस समय सिर्फ देखने के लिए आते, नाम मात्र देखने, लेकिन उसके पहले अगर इनकी कुछ मदद कर दे नेता लोग तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि यही लोग हैं जो अभी आने वाले समय पर आपको वोट देते, इसके पहले भी वोट दिए, इनको भरोसा रहता है कि कहीं ना कहीं आप लोग हमारी समस्या सुनेंगे। लेकिन ये जो भंगी समाज है ये पूरे नागपुर शहर की गंदगी उठाने का काम करते हैं और अपने नागपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में सबसे बड़ा योगदान भंगी समाज का ही रहता है। लेकिन आज भंगी समाज की जो हालत दिख रही है घर की, सबसे गंदी हालत दिख रही है इनके बस्ती में, जब अब आए तो यहाँ पर भी ऐसे ये एक मकान नहीं कई मकान है जो इसी तरीके से यहाँ पर परिस्थिति में नज़र आ रहे मकान। लेकिन आज भी भंगी समाज जो नागपुर को स्मार्ट सिटी में जो सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, आज उन्हीं की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। इनकी पैदाइशी यहाँ की है, इनके पिताजी लोगों ने यहाँ पर रहते आए, और जिस तरीके से इनका कहना है कि यहाँ पर महात्मा गांधी जी आए, और मेरे को ये बताओ पहले आपका परिचय बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश कल्लू जी महतो, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले, यहाँ के ही आप रहे हुए। और मेरे को ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि इतने सालों से आप लोग, आपके भी आपके बच्चे भी बड़े हो गए, नाती पोती वाले हो गए आप, तो आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि भाई ये अपने मकान यहाँ से हटाने के लिए कोई योजना बना रहे हैं कोई लोग? भैया ये इसमें कुछ हमारी बस्ती के सोसाइटी के जो करप्शन करने वाले लोग होंगे वो मिले हुए हैं, ऐसा हमारे को आवाज़ होता है, क्योंकि अभी तक का ये सोसाइटी की रजिस्ट्री नहीं हुई, दूसरा कि इस रजिस्ट्री की ये बस्ती को बर्बाद करने के लिए इसके पहले कॉर्पोरेशन में प्रस्ताव लाया गया था जिसका विरोध रमेश सिंगारे ने किया था साहब, और हम लोगों ने जाके महल में, तो ये हमारे यहाँ कोई इतने राजनीतिक तज्ञ बच्चे नहीं हैं, जो थे पहले पुराने लोग दो चार वो अभी रहे नहीं, अब समझो हम भी है समझो पुरानों में, अब हम भी ज़्यादा दिन रहते कि नहीं रहते, तो इनको न्याय तो मिलना चाहिए। सिंगारे जी आपके साथ में देखिए बस्ती उजड़ना नहीं चाहिए करके, इस समाज के साथ में थे वो, समाज के साथ, और ये बस्ती में वो आया करते थे हमारे तरफ, तो उनको जब पता लगा कि ये साजिश हो रही है कि ये बस्ती को उजाड़ा जाए, वो प्रस्ताव नहीं कौन अगर लगाऊंगा उस समय साजिश कौन कर रहा था, यानी ये उस समय से था, आज तो बीजेपी की सरकार है महानगर पालिका, यानी ये प्लानिंग पहले से चल रही थी, पहले से योजनाबद्ध तरीके से ये काम चल रहा है कि ये समाज को बर्बाद करके रखा जाए, आने वाली पीढ़ी फिर संघर्ष करते रहे और हमारी गुलाम बने रहे, जबकि ये तो इतिहास है आपके यहाँ, तो इन लोगों ने देख महात्मा गांधी का स्टैचू बनाना चाहिए, तो इतिहास है ये तो नागपुर शहर के लिए भी लोगों को बताना चाहिए, लेकिन इतने सालों से ये नागपुर शहर में ये इतिहास जो है महात्मा गांधी जिसने कुएं का नींव रखे थे आज वही लापता है। सही बात तो ये है कि साहब हमारे यहाँ मार्गदर्शक कोई नहीं है, और मार्गदर्शन कोई नहीं रहने से हमारे ही देखो सतीश बाबू भी हमारी बस्ती से हीरो बने, हमारी बस्ती के नौजवानों के साथ में वो राजनीति करते थे कॉलेज की, और जब वो सत्ता में आए तो नीचे के लोग जैसा जहाज उड़ जाता है तो नीचे का व्यक्ति छोटा सा दिखता है, उसी हालत से हमारे को वो देखते हैं। अरे इनका कहना है जैसे ये तुम नागपुर शहर की साफ सफाई में बिजी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नॉलेज अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन आज जो पीढ़ी है इनकी आज उनको समझ में आ रहा है अगर हमको घर का लोन चाहिए, अगर कुछ घर बनाना है तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसी डॉक्यूमेंट्स को लेके ये 2.5 साल से महानगर पालिका के हर जगह जगह जाके जा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो जगह रहती है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज के मामले में हर जगह से इनको सिर्फ ना सुनने में आ रहा है कि ये दस्तावेज नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो साजिश ये बता रहे हैं चतुर्वेदी जो कर रहे थे पहले से वही साजिश अभी भी उसी तरीके से चल रही है। जोर जोर के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, बंगी समाज जिंदाबाद, बंगी समाज जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, बंगी समाज जिंदाबाद, जोर जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।